एक स्लेक पकड़े हैं, इसमें थोड़ा सा चिपका हुआ एक मैगनीज है जिसको हम छटीन करके निकालते हैं। इतना बड़ा में अब दिख रहा है, इतना 100 ग्राम इससे से निकलेगा। ग्राम पंचायत सामारोमा के आसिद ग्राम पूंजीपथरा में 2000 ईस्वी में जिंदल कंपनी आई और लगभग 1700 हेक्टेयर जमीन का भूमि अधिग्रहण हुआ, जिनमें औने पौने दाम पर उनके जमीन को लिया गया और इस जमीन के एवज में उन्हें नौकरी देने का वादा किया गया। हमारा जमीन तो 30 एकड़ का जमीन प्लांट था, आधा जमीन भूमि अधिग्रहण में हो गया, आधा जमीन ऐसे बाकी था, तो आधा जमीन को हम लोग दूसरे की जगह में बेचने चाहते थे और हमारा सौदा हो गया था ज्यादा रेट से, तो जिंदल ने उसको दबाव दे करके कम रेट से ले लिया और हम जिंदल को दबाव दिए तो हमारा बात नहीं माना। मौजा एकड़ के पीछे में 60,000 रुपया दिए अतिक्रमण वाला जमीन का, और बाकी जमीन का पैसा थोड़ा से ज्यादा दिए। जो हावी के रेट में जो जमीन ले रहा है उस रेट में मिलना चाहिए था हमको, 10 लाख एकड़ के हिसाब से मिलना चाहिए था, 2.5 लाख में दिया, 2 लाख में दिया, किसी को 1.5 लाख में दिया, किसी को 1 लाख में दिया, ऐसी करके ले लिया। और उसके बाद में मैंने रेट को बढ़ाया, 10 लाख एकड़ दे रहा है अभी। और उसके बाद में हम लोग कई कलेक्टर के पास गए, SDM के पास गए, हमारा कोई नहीं सुने। और उसके बाद में गांव में बोले कि आप लोगों को मैं नौकरी दूंगा, ऐसे मौखिक में बोला, तो हम लोग चलो अपने बाल बच्चा यहाँ काम करेंगे करके हम लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन आज तक किसी को नौकरी नहीं मिला। आज 16 साल गुजर जाने के बावजूद भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और कंपनी से निकले हुए मल जो स्लैग होता है उस स्लैग से अपना जीवन ढूंढ रहे हैं, जीवन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अपना जीवन गुजार रहे हैं। कितना मेहनत लगता है इतना निकालने के लिए? मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगता है, आप तोड़ेंगे पूरा छटीन करेंगे तब जाके निकलेगा। वैसे आप कितने पढ़े लिखे हैं उसके विषय में थोड़ा बताएं। हम 12वीं पढ़े लिखे हैं, सराईपाली से 12वीं पढ़ के निकले हैं। पढ़ने के बाद से अब रोजी मजदूरी ढूंढ रहे थे, अब तो प्लांट में नहीं रख रहा है, काम उम नहीं दिया, तो अब ये प्लांट से जो निकले हुए माल से अपना रोजी रोटी नहीं करके कर रहे हैं। कितना साल हो गया ये काम करते हुए आपको? करीबन 10-12 साल हो गया। लिखित में कुछ दिया गया था क्या कि हम लोग नौकरी देंगे या गांव का विकास करेंगे ऐसा कुछ? देखिए ये गांव तो शुरू से अनपढ़ गांव है, कोई लिखित मांग नहीं, लिखित में नहीं दिए थे, ऐसे मौखिक में दिए थे और गांव में कुछ विकास नहीं किए। कई बार हम लोग उसको एप्लीकेशन दिए कि जो स्कूल है स्कूल का मैंने बाउंड्री वॉल कर दो करके बोले, वो भी नहीं किए। बस गांव में स्ट्रीट लाइट गाड़ दिया है, छोटा सा रास्ता बना दिया है, बस उतना ही है, अब बाकी कुछ नहीं। जिंदल जहां एक तरफ बड़े बड़े वादे किए, भूमि अधिग्रहण किया, लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं आए दिन वे लखपति, करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनते जा रहे हैं। और वहीं अगर आप जो भूमि स्वामी हैं जिनसे वह जमीन लेके यह औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, उन भूमि मालिकों का देखें तो वे आज मालिक से भिखारी और भिखारी से कूड़े कचरे से अपना जीवन ढूंढने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे भविष्य में अब तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा समझो, बाल बच्चा हो जाएंगे फिर ये इसमें अब क्या भविष्य है? मलबा में जब 2 रुपये कमाएगा तो बाल बच्चे का भविष्य नहीं है, अपना भविष्य नहीं है। एक गोद ग्राम भी है, बोलने से पूंजी पत्थर को गोद लिया हूँ बोलता है, और गोद लिया है तो क्या भूखे मारने के लिए गोद लिया है? आज 2019 की शुरुआत में पूंजी पत्थरा की भूमि अधिग्रहण का 18 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन आज तक उन्हें न तो सही मुआवजा मिला और न ही नौकरी मिली। नौकरी की आस में आंखें निहारे बैठे
आज 18 बरस पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनको नौकरी न मिलने से वे कंपनी से निकलने वाले कचरे से अपना जीवन ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वीडियो देखने वाले समस्त दर्शक रायगढ़ जिले के वर्तमान कलेक्टर यशवंत कुमार को 77-62-22-21-01 पर फ़ोन करें और इस समस्या से अवगत कराएं, ताकि पूंजीपथरा के लोगों को एक परिवार से एक नौकरी मिल सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।